हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वर्ड प्रॉब्लम करा रही हूँ। इसके अंदर बोला गया है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं ऐसे 2, 3, 4, यानी जो लगातार आते हैं और पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। आज सच डैट इस तरीके से द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द फर्स्ट, यानी पहले, क्योंकि तीन नंबर है तो पहले का स्केयर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, यानी बाकी दो बच गए सेकेंड एंड थर्ड, उनका प्रोडक्ट का सम कितना है 46। हमें वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2010 में आया हुआ है। तो लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने ले लिए x, x प्लस वन एंड x प्लस टू, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट नंबर x है तो x का स्केयर, जैसा कि इसने बोला है स्केयर ऑफ द फर्स्ट, यानी x का स्केयर प्लस अदर दो बचे x प्लस वन एंड x प्लस टू, इन दोनों के प्रोडक्ट के सम के इक्वल 46 है। तो ये x स्केयर, इसको मैं सॉल्व कर दूंगी। x को x प्लस टू से मल्टीप्लाई प्लस 1 को x प्लस टू से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 46। x स्केयर प्लस 2x प्लस x प्लस टू इज इक्वल्स टू 46। ये हो गया 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 46। 46 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, प्लस 2 माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्केयर प्लस 3x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनेंगे, पहले मैं 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88, 11 एंड 8 जैसे कि दिख रहा है हमें, 11 एंड 8 माइनस करके 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ x ही कॉमन आएगा, 2x प्लस 11, इसमें से 4 कॉमन आ गया माइनस का, तो 2x प्लस 11 बन गया। जैसे कि हमारे फैक्टर्स सेम बने हैं, 2x प्लस 11 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बच गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 11 अपॉन में 2, प्लस का इधर जाके माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, सेम x माइनस 4 इज इक्वल 0, x की वैल्यू 4, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए था, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर पहला 4 होगा, देन 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, एंड दिस इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर बोला गया है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आर है इन स्टिल वाटर, यानी वाटर के अंदर उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आर, टेक्स 1 आवर मोर, एक घंटा ज़्यादा समय लेती है अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम तक से टू द सेम स्पॉट, एक स्पॉट पर अपस्ट्रीम में ज़्यादा समय लेती है एक घंटा, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट, मैंने क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आ, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर मुझे दे रखा है 24 किलोमीटर पर आ। ऐसे क्वेश्चंस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले हमने पहले भी 9th में बहुत कर रखे। इन अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड ऑफ बोट कितनी आ जाएगी, 24 माइनस एक्स, एंड डाउनस्ट्रीम के अंदर क्योंकि स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाती है इसलिए हम उसके अंदर प्लस करते हैं, किलोमीटर पर आवर ज़रूर लगाएं, ये छोटी चीज़ें होती है इससे हमारे नंबर कटते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है उस बोट ने, 32 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड माइनस 32 अपॉन में 24 माइनस एक्स माइनस 32 अपॉन में 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स, मैं 32 बाहर कॉमन ले लेती हूँ जिससे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 1। बाहर माइनस का तो साइन बदल जाएंगे, 20 इधर ए स्केयर माइनस बी स्केयर लग जाएगा, प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स, इधर हो गया 24 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल्स टू 1, एक्स सॉरी 24 से 24 कटेगा, 32 इंटू 2x, 24 का स्केयर 576 आ गया, माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 1, 64x इज इक्वल्स टू 576 माइनस एक्स स्केयर, ये माइनस है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ, प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। 576 के फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बन गए हैं
हमने फैक्टर्स में 576 का, तो उसके फैक्टर्स बने हैं 72 एंड 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 72 माइनस 8, एक्स प्लस 72 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 72 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 8, तो एक्स की वैल्यू माइनस 72 एंड 8 हो गई है, तो 8 माइनस में नहीं हो सकता, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर।